अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पशु रूप में वाराह बनकर आए और पशु और मानव एक साथ नृसिंह बनकर आए तो लगता था ये पृथ्वी बड़ी धन्य होगी, पर मैं जब इधर आया मुझे अच्छा नहीं लगा महाराज। क्यों? बोले तरुणी प्रभुतागे स्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणी रोभा दंपत्ती नाम चकलकनम। घर पर तरुणी स्त्रियों का राज हो गया है। एक दो दिन तो सब लोग अच्छे से रहते हैं, उसके बाद घर में राज चलता है। और उदरम भरिणों जीभा वरा का कूट भाषिण, लोग केवल पेट भरने में लगे। हर माँ बाप अपने बालक से कहते हैं बेटा इतनी पढ़ाई कर ले कि दो समय का भोजन मिल जाए, बस पेट भर जाए, इतनी पढ़ाई तो कर ले। मतलब सब लोग यही कहते हैं बस पेट भर लो बाकी कुछ मत कर। और कूट भाषण बहुत कड़वा बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि नहीं कलियो? भाई कोई बैठा हो, हाँ किसी ने पूछा बैठे हो तो खड़ा हो जाओ। भाई खड़ा होने के लिए किसी ने कहा बैठे रहो? अब कोई व्यक्ति कहीं बैठा होगा, किसी ने पूछा कहाँ बैठे हो? चूल्हे में कहाँ बैठा हूँ क्या दिखता नहीं? या दो लोग एक साथ खड़े थे बातचीत कर रहे थे तो एक ने पूछा भैया तुम कितने भाई हो? उसने कहा भाई चार। बोले पांच भी होते तो क्या कर लेते? बोले हमें करना भी क्या है? ऐसे लोगों की विचारधारा इतना कड़वा बोलते हैं कहा नहीं जाता, ऐसा लगता है बोल नहीं रहे, क्योंकि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, कड़वे वचन ही तीर। ऐसे बोलते हैं ऐसा लगता है मानो एक साथ दस बाण मारे। इसलिए ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि ये शरीर एक दुकान है। बार बार कहते हैं ध्यान से सुनना, ये शरीर एक दुकान है, दुकान का ताला ही ये जीव है, ये जीव इसका ताला है। जब ताला खुलता है तब पता चलता है दुकान सोने की है या कोयले की। इसीलिए कड़वा नहीं बोलना चाहिए। नारद जी ने कहा कलयुग के लोग बहुत कड़वा बोलते हैं महाराज, ऐसा लगता है किसी ने जहर मिलाया। इसलिए महाराज मुझे शांति नहीं मिली, मैं कई जगह गया, कहा कहीं तो मैंने पाखंड देखा, अनाचार विचार देखा, लोग व्यसनों में फंसे हुए हैं। जिन लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए था, जिन लोगों को दान धर्म करना चाहिए था, वो लोग शराब पीकर रोड पर पड़े हुए हैं, ऐसा हाल। तो नारद जी बोले फिर मैं आगे चला, मैंने सोचा यहाँ मुझे आनंद नहीं मिला, लगता है वृंदावन से भगवान केवल 5000 वर्ष पहले ही गए हैं, क्या पता वहां आनंद हो। मैं वहां पहुंचा, वहां गया, वहां एक स्त्री यमुना के किनारे बैठकर रो रही थी। कई स्त्रियां उसे पंखा कर रही थी, कई उसके पैर दबा रही थी, कोई उसे समझा रही थी, लेकिन वो स्त्री रोई जा रही थी। ऐसा हाल था उस स्त्री का। मैंने सोचा पूछूं क्या परेशानी है बेटी, फिर मन में आया कलयुग के लोग बहुत कड़वा बोलते हैं, कहीं पूछा क्यों परेशान हो? बोले अपने काम से मतलब रखो, उधर जाओ, ऐसा बोल दिया तो। इसलिए नारद जी महाराज एक कोने पर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। बात कर रही थी भक्ति
वो जो स्त्री थी उसकी नजर नारद जी पर पड़ी और नारद जी को उसने कहा, भो साधो क्षणम तिष्ठत मत चिंता मपिनाशय दर्शनम तमलोकस्य सर्वथा गरम परम। महाराज कृपया कर मुझे ज्ञानोपदेश कीजिए, मेरी बड़ी बुरी स्थिति हो रही है, आप तो संत हैं हमें समझाइए। नारद जी महाराज गए, बेटी कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, ये अगल बगल में पड़े हुए दो वृद्ध कौन है, ये स्त्रियां कौन है जो तुम्हें पंखा कर रही हैं। तब उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरौ। महाराज मैं भक्ति मतब ये अगल बगल में पड़े हुए दो वृद्ध मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये स्त्रियां जो मुझे पंखा कर रही हैं, ये स्त्रियां ही गंगा जी नदियां हैं जो मेरी सेवा में उपस्थित हुई है। महाराज शांति नहीं मिलती, माँ जवान है और पुत्र बूढ़े हैं, इससे बड़ी परेशानी और क्या हो सकती है। अच्छा बेटी ये परेशानी, हाँ महाराज कुछ समझाइए, ये ऐसा क्यों हुआ। अरे महाराज पहले मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, द्रविड़ देश से ही द्रविड़ यानी द्रव्य भूत यानी हृदय, हृदय से ही भक्ति प्रकट होती है। पर महाराज जैसे ही गुजरात पहुंची वहां जाकर मैं बूढ़ी हो गई, उन लोगों में भक्ति कम है ज्ञान वैराग्य ज्यादा है, इसीलिए वहां मेरे पुत्र जवान हो गए। और जब मैं वृंदावन आई यहाँ लोगों में भक्ति तो बहुत है, मैं तो जवान हो गई लेकिन ज्ञान और वैराग्य को ये लोग मानते ही नहीं। एक उद्धव आया था ज्ञान देने, उसे भी समझा बुझा कर वापस भगा दिया। इसलिए महाराज यहाँ ज्ञान भी नहीं और वैराग्य भी नहीं, केवल और केवल भक्ति की चर्चा ही बसी हुई है। इसलिए महाराज कुछ कीजिए, नहीं तो मैं ये देश छोड़कर चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, मैया ऐसा नहीं करना, आप यहां से नहीं जाओगे तो नारद जी आप ही कुछ कीजिए। नारद जी ने कहा, मैया आपने ठीक कहा, पुत्र बूढ़े हो और माँ जवान हो कितना दुख होता, पर कोई बात नहीं, ये वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति माता नृत्य कर रही है, भक्ति नृत्य थी यत्र चाहे। और वैसे तो माँ वृंदावन की गैल में तो मुक्ति भी भगवान से भोजन मांगती है। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिन खाए, मुक्ति कहे गोपाल सौ मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति भी महाराज मुक्ति पड़ी इस गैल में, वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिन खाए, इस वृंदावन की गलियों में तो मुक्ति भी भटकती है लेकिन यहाँ के लोग इतने भक्तिनिष्ठ हैं कि वो तो कहते हैं, कबीरदास जी महाराज के पास जब भगवान आए चलो वैकुंठ, तो कबीरदास जी ने कहा, जो सुखिया सत्संग में सो वैकुंठ न होए, जो सुख इस सत्संग में है, इस कथा में है, भगवान के भजनों में है, वो सुख वैकुंठ में भी नहीं, क्योंकि स्वर्गीय सत्तेज कैलासे वैकुंठे नास्ते यम रस। ये कथा ना ही स्वर्ग में है ना वैकुंठ में है ना शिवलोक में है ना सत्यलोक में है, ये रस केवल इस धरती पर ही है। इसलिए महारानी आप चिंता ना करो, कली का प्रभाव है इसीलिए आपके पुत्र बूढ़े हो गए हैं। पूछा, महाराज तो इस कलयुग को परीक्षित ने मारा क्यों नहीं जब ये इतना पापी।
कहने लगे, हर कार्य के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। माँ, जिस स्थान में आप रह रहे हैं ये बड़ा पवित्र है। एक बार वृंदावन में मुक्ति ने भी भगवान से आस की, महाराज मेरी मुक्ति बता रहे। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिन खाए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। महाराज अब मेरी मुक्ति बताओ। लेकिन कन्हैया ने कहा, पड़ी रहो इस गैल में, संत जहां चल जाए उड़ उड़ रज मस्तक गिरे मुक्ति मुक्ति हो जाए। ए मुक्ति इसी गली में पड़ी रहे, जहां से संत लोग निकलेंगे उस गली में ही रहना, क्योंकि भगवान तुझे यही मिलेंगे। मेरी प्रार्थी इन्हीं वृंदावन की गलियों में तुझे होगी, संतों के चरण की धूल जब तुम्हारे सिर पर पड़ेगी उसी दिन मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो महारानी आप इसे छोड़कर ना जाना। मैं बताता हूं आपको कि भगवान परीक्षित जी ने इस कलयुग को मारा क्यों, क्योंकि भगवान के भक्त बुराई में भी अच्छाई देखते हैं और सांसारिक लोग अच्छाई में भी बुराई देखते हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज ने इस कलयुग में एक गुण देखा। चार युगों का वर्णन करने लगे नारद जी। तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में चार युगों का वर्णन करते हैं। कृत युग सब योगी विज्ञानी,
जाकर भगवान की इच्छा दी थी, लेकिन माँ ये फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सव कीर्तन। बहुत तप करना होता था, बहुत पूजा करनी होती थी, तब भगवान मिलते थे, लेकिन ये कलयुग बहुत सुंदर युग है। इस युग में केवल भगवान का कीर्तन करने से और ताली बजाने से भगवान मिल जाते हैं। ये तो कहा सुखदेव जी ने भागवत जी में, और तुलसी बाबा क्या कहते हैं, परीक्षित महाराज ने इस कलयुग को नष्ट नहीं किया बल्कि छोड़ दिया। और महाराज भक्ति माता के समझ में बात आई, समझ गई माँ भक्ति। नारद जी हाथ जोड़कर प्रार्थना, जरा मेरे पुत्रों को फिर से युवा बना। नारद जी ने कहा, मैया मैं भी भगवान के चरणों में सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारे पुत्रों को अवश्य ही तरुण कर दूंगा। माँ भक्ति ने कहा, ठीक है नारद जी। अब तो नारद जी महाराज ने वेदोपनिषदां सारा जाता वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। गीता सुना रही, वेद सुना डाला, वेदांत सुना डाला, गीता सुना डाली, रामायण सुना डाली, सब के सब पुराण सुना डाले, लेकिन वो उठे जमा ही ले और फिर सो जाए। बड़ी परेशान हो गए नारद जी। संत जब चिंतित होता है, पहले भी कहा है, तब वो चिंतन करता है। नारद जी ने आज भगवान का चिंतन किया, आकाशवाणी हुई, तुम भगवान को भाव से बुलाकर तो देखो। भगवान शब्द नहीं सुनते, क्योंकि शब्दों पर ध्यान ज्ञानी का जाता है। भगवान तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनते, भगवान तुम्हारे भाव को देखते। आप देखें, हम लोग मंदिर में बड़ी बड़ी स्तुति भगवान की करते हैं, लेकिन बताओ किसी को पता चला कि भगवान हमारी सुनते भी हैं या नहीं? कोई पूरा प्रमाण के साथ कह सकता है कि भगवान हमारी सुनती ही सुनते? अरे हमारी भगवान स्तुति नहीं सुनते और नारद की भगवान गाली सुनते हैं, इसीलिए यही भाव है। तुम भाव से बुलाओगे, भगवान तुम्हारी गाली भी सुनेंगे। हम मंदिरों में इतनी बड़ी बड़ी स्तुतियां गान करते हैं, बड़े बड़े स्तोत्र गाते हैं, भगवान पता नहीं है सुनते भी हैं या नहीं। पर लेकिन वृंदावन में गोपियां जब माखन चुरा कर भागते हैं, गाली भी देते हैं और अगले दिन फिर भी आ जाते हैं। इसीलिए यही प्रेम व्यक्ति को जगाना होगा। रामचरितमानस में जब राम जी वनवास को निकलते हैं और निषिद्ध राज केवट भगवान की स्तुति करता है,
क्या स्तुति है, पढ़ना रामचरितमानस। जबकि है उसे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, वो शब्दों पर ध्यान नहीं देता, उसे यह भी पता नहीं कि ऐसा बोलना भी चाहिए या नहीं, पर लेकिन फिर भी भगवान की स्तुति करता है और स्तुति में भी पढ़ना। तुलसी बाबा ने उसका क्या वर्णन किया है, रोते रोते राम जी के चरणों में गिर जाता है और भगवान से कहता है महाराज, जब राम जी आए और उसे गले लगाया, उसने कहा महाराज हम तो ऐसे लोग हैं, अगर हम निकले ना और किसी पर हमारी परछाया भी पड़ जाए, वो भी 3 बार नहाता है, आपने हमें गले से लगाया। जब भरत जी महाराज राम को ढूंढते ढूंढते आए, तब उसने भरत जी ने कहा ये बात, भरत जी ने कहा जो राम का है वो सबसे प्यारा है। इसलिए आज जो जातियां बनाई गई हैं, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, इसीलिए तुलसी बाबा ने इस पर बहुत जोर दिया है। रामायण का शुरुआत ही रामचरितमानस का वर्ण शब्द से हुआ है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। शुरुआत वर्ण शब्द से हुई है और रामायण का विराम रामचरितमानस का मानवाह शब्द से हुई है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा है जिसे कथा सुननी है, मैं ये नहीं कहता वो ब्राह्मण होना चाहिए किसी और जाति का होना चाहिए, मैं कहता हूँ मेरी दृष्टि में ये जातियां नहीं, वो मानव होना चाहिए, तभी कथा सुनने का अधिकारी। राक्षस को कथा सुनने का अधिकारी नहीं। रावण उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, उत्तम कुल में पुलस्त्य का नाती है, और जब स्तुति करते हैं, जब अपना डमरू बजाता है कौन, रावण, तो भगवान शंकर प्रकट होकर वही नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसे राक्षस कहा गया है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा अगर कोई कथा सुनना चाहते हो वो राक्षस नहीं होना चाहिए, मानव होना चाहिए, मानव को ही कथा सुनने का अधिकार है, पहले मानव बनो। पर लेकिन आज समाज में गधे को नहीं बोलना पड़ता, तू गधा बन, या किसी बिल्ली को नहीं बोलना पड़ता तू बिल्ली बन, लेकिन मानव को बोलना पड़ता है तू मानव। मानव का कर्म भगवान की पूजा है, भाव है। पढ़ना रामचरितमानस में केवट की स्तुति, भाव भरत के अंदर भी है ऐसा। भाई राम जी कहते हैं ना ही था ना होगा ना हुआ है, इसलिए रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है। एक सेवक को कैसा होना चाहिए, हनुमान जी को कैसा होना चाहिए देख लो। और यहाँ पर भी कई लोग हनुमान का काम कर रहे हैं, इधर उधर भाड़ा बागा दौड़ी में लगे हुए, इसीलिए हनुमान जी कहते हैं जब तक राम जी का काम पूरा ना हो तब तक मुझे चैन नहीं। भक्ति करनी है, सेवक बनना है तो भरत जैसा बनो, सेवक बनना है लक्ष्मण जैसा बनो, सेवक बनना है शत्रुघ्न जैसे बनो, सेवक बनना है हनुमान जैसे बनो, पिता बनना है तो दशरथ जैसे बनो। दशरथ ने सबको बताया एक प्रेमी कैसा होता, प्रेम क्या है, दो लोगों ने बताया, रामचरितमानस में दशरथ ने और भागवत जी में कुंती मैया ने। जब अर्जुन आए हैं कुंती मैया के पास, पांडवों ने कहा क्या हुआ भैया 6 महीने बीत गए इतनी देर में आ रहे, बोले क्या बताएं हम, भगवान हमें छोड़कर अपने धाम चले गए हैं। कुंती माता ने ये बात सुनी उसी समय अपने प्राण को त्याग दिया है, क्योंकि दिल्ली से दौड़ते हुए कुंती मैया आ रही थी, अरे अर्जुन बता तो वही मेरा कन्हैया कैसा है, लेकिन जब तक बोलती ये बात कानों में पड़ गई और अपने प्राणों को उसी समय त्याग दिया। इसीलिए प्रेम सीखना है तो मछली से सीखो, जितना प्रेम मछली पानी से करती है देखना, मछली पानी से जैसे ही दूर होती है मर जाती है।
उतना ही प्रेम भगवान से हो जाए तो क्या बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।